एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, अगेन होने वाला है एक मीशो हॉल। एंड आज मैंने मीशो से पिक किया है बहुत ही खूबसूरत से सेलिब्रिटी स्टाइल हैंगर, साड़ी, ज्वेलरी, फुटवियर्स। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। एंड मैं देख रही हूँ आपको मेरे साड़ी हॉल बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, साड़ियों को लेकर काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट है। मीशो पे लिंक्स नहीं होते हैं, कोड्स होते हैं, जितने भी आउटफिट शेयर कर रहे हो सब ये कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अगर अभी तक आपने मीशो डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कीजिए मेरे दिए हुए लिंक से, जिससे आपको अपने फर्स्ट ऑर्डर पे फ्लैट 30% एंड 100 rupees का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो लिंक है जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से आप मीशो डाउनलोड कर सकते हैं। और आज का वीडियो भी होने वाला है रीसेलिंग वीडियो, जितने भी आउटफिट है सभी रीसेलिंग में है। तो मीशो प्राइस एंड रीसेलिंग प्राइस में यहाँ पे मेंशन करती जाऊंगी। बहुत सारे लोगों को रीसेलिंग में कन्फ्यूजन होती है, तो रीसेलिंग का मतलब है उस प्राइस में मैं आपको सेल कर रही हूँ बस। अगर आप लेना चाहते हैं तो फटाफट से मुझे इंस्टा पे कांटेक्ट करिए, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यहाँ पे क्लिप दे दूंगी। तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट रहिए, बिकॉज वहाँ से ही आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। एंड मैं वहाँ पे रील्स वगैरह भी शेयर करती हूँ, तो फोटोज हो गई, रील्स हो गई, तो बहुत सारी चीज़ें शेयर करती हूँ, तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट रहिए। आज जो मैंने कुर्ता पहना हुआ है ये मैंने पिक किया था मीरा लिंक से, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी वो वाली वीडियो का, आप जाके इसे परचेज कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा कुर्ता है, मेरा लिंक पे आपको ये वाला कुर्ता मिल जाएगा जो कि बहुत ही अमेजिंग है फ्रॉम दी ब्रांड इंडो एरा। तो चलिए विदाउट एनी लेट वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब जो फर्स्ट आउटफिट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो थंबनेल से जैसे कि आपको पता चल ही गया होगा, बहुत ही खूबसूरत सा एक सेलिब्रिटी स्टाइल लहंगा है। एंड बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे इस वाले लहंगे के लिए, तो फाइनली मैंने ये पिक कर लिया। पिक तो काफ़ी टाइम पहले कर लिया था, बट एक तो लॉकडाउन की वजह से कई मतलब जगह ऐसी है जहाँ पे प्रॉपर डिलीवरी नहीं हो रही है, और यहाँ पे भी डिलीवरी होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो ये फाइनली मुझे मिल गया है। पहले तो इसका कलर बहुत ज़्यादा सुंदर है, ये एक रेप्लिका है एंड बहुत ही खूबसूरत सा आपको इसका मर्जेंटा कलर देखने को मिल जाएगा। जब मैंने इसे देखा बहुत प्यारा लग रहा था यार। तो चलिए मैं आपको खोल के बताती हूँ। तो इस तरीके का आपको ये वाला लहंगा देखने को मिल जाएगा। ये लहंगा जो है रेड एंड पिंक कलर के कॉम्बिनेशन में है, जो कि बहुत ही यूनिक सा कॉम्बिनेशन है, पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड इस तरीके का आपको ये वाला लहंगा देखने को मिल जाएगा, लुक एट दिस, इस तरीके का। तो आप साथ ही साथ मीशो प्राइस एंड रीसेलिंग प्राइस देखते रहना, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। एंड ये एक सेम स्टिच लहंगा है, यानी कि एक साइड से खुला हुआ, जस्ट आपको इसे अपने साइज के अकॉर्डिंग स्टिच कराना है। प्रॉपर अंदर आपको साटिंग की लाइनिंग देखने को मिल जाएगी, वेस्ट इस तरीके की आपको देखने को मिलेगी। ये पूरा लहंगा पहले तो टैफेटा सिल्क फैब्रिक में है और पूरे पे गोटे का काम किया गया है, प्लस सिक्वेंस एंड जरी का काम किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं इस तरीके की वेस्ट मिलेगी, ये है अप टू 42 से अप टू 44, जो कि आपके एक्सल एंड डबल एक्सल साइज में आराम से आ जाएगी। ये नीचे का पूरा बॉर्डर दिया हुआ है, फुल लुक आपको साइड में क्लियर हो जाएगा। और ये पूरा आप गोटा पत्ती देख रहे हो ना, कितना प्यारा लग रहा है। इस तरीके का ट्रायंगल वाला कुछ डिजाइन बनाया हुआ है और ये बीच बीच में इन्होंने सिक्वेंस लगाए हुए हैं, जरी का काम किया गया है। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, प्लस मतलब बहुत ही नीटली काम है, बिल्कुल नीटली आपको बहुत ही प्यारा सा काम देखने को मिल जाएगा। एंड अंदर की साइड प्रॉपर आपको इसमें कैन देखने को नहीं मिलेगी, कैनवास लगाया हुआ है बॉर्डर में। तो अगर आप वैसे तो काफ़ी अच्छा फ्लेयर आ जाएगा, 3 meters के आसपास इसका फ्लेयर है, या फिर हो सकता है थोड़ा ज़्यादा ही हो। तो अगर आप चाहते हैं और ज़्यादा लुक, हैवी लुक, तो आप कैन के साथ इसे वेयर कर सकते हैं। कैन स्कर्ट पहन लीजिए या कैन इसमें ही अटैच करवा लीजिए। तो इस तरीके का आपको ये प्रॉपर लहंगा देखने को मिलेगा। ये आप लाइनिंग देख रहे हो ना, ऊपर से नीचे की साइड जो आ रही है, ये प्रॉपर ना सिक्वेंस की लाइनिंग है, छोटे छोटे सिक्वेंस लगाए हुए हैं। और लुकिंग आप देख सकते हो बहुत ही प्यारी है लहंगे की, और सबसे अच्छी बात है लाइट वेट है। तो इसमें आपको इस तरीके का तो लहंगा दिया गया है। अब मैं आपको बताती हूँ इसका दुपट्टा एंड ब्लाउज। तो इसमें आपको दुपट्टे में अटैच ही आपको ब्लाउज देखने को मिल जाएगा। लहंगा पिंक कलर का है एंड ब्लाउज एंड दुपट्टा इन्होंने रेड कलर के कॉम्बिनेशन में दिया है। ये इन्होंने फ्रंट के लिए दिया हुआ है, ये इन्होंने स्लीव्स के लिए दिया हुआ है एंड ये इन्होंने बैक के लिए दिया हुआ है। यानी कि पूरा ब्लाउज आपको हैवी ब्लाउज देखने को मिल जाएगा, टैफेटा सिल्क में पूरा हैवी है, पूरे पे गोटा पत्ती सिक्वेंस लगाए हुए हैं। एंड अगर मैं बात करती हूँ साइज की, तो ये आपके एक्सल एंड डबल एक्सल साइज में भी आराम से आ जाएगा, क्योंकि 1 meter 90 centimeters के आसपास फैब्रिक है, तो आराम से स्टिच हो जाएगा। स्लीव्स वगैरह भी आराम से स्टिच हो जाएगी, 3/4 या फिर इतनी जितनी भी आप करवाना चाहो। अब मैं आपको बताती हूँ इसका दुपट्टा। इसका दुपट्टा इन्होंने बिल्कुल नेट फैब्रिक में दिया है, लहंगा है, और इसका जो ब्लाउज है वो आपको टैफेटा सिल्क फैब्रिक में देखने को मिल जाएगा। दुपट्टा
प्योर नेट फैब्रिक में दिया है, वो चारों तरफ इस तरीके का बॉर्डर लगाया हुआ है, काफी ब्रॉड लेस है एंड 2.25 मीटर का आपको रेड कलर का दुपट्टा मिलेगा, जिसे आप काफी तरीके से स्टाइल कर सकते हैं क्योंकि लेंथ इसकी प्रॉपर है, जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी है। प्राइस के अकॉर्डिंग कुछ न्यू है एंड दूसरी चीज की अफोर्डेबल प्राइस में लगा। अगर आप मार्केट में जाते हैं तो इस तरीके की डिजाइनर लहंगे इतनी कम प्राइस में नहीं मिलते, मीशो पे काफी सही रेंज है, ये इस तरीके की आपको साड़ी मिलेगी। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सी साड़ी है, प्लस इतनी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में है, तो उस अकॉर्डिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी, रेटिंग काफ़ी अच्छी थी। एक तो आप कुछ भी पिक करो मीशो से तो रेटिंग देख के परचेस किया करो, क्योंकि बहुत सारे सेलर ऐसे होते हैं, मैं ये नहीं कहती कि क्वालिटी अच्छी नहीं आती है, क्वालिटी मीशो की अच्छी आती है, लेकिन कुछ सेलर की अच्छी आती है, कुछ की बेकार भी आती है। तो रेटिंग देख के परचेस करो, पिक्स देख के परचेस करो, जिससे मतलब आप सही से वो आइटम परचेज कर सको। कई बार ऐसा होता है न्यू सेलर से परचेज करते हो और आप कुछ और ऑर्डर करते हो, मिल कुछ और जाता है, तो वो चीज़ मत करो, पहले प्रॉपर रिव्यू देखो, रेटिंग देखो, देन आप परचेज करो। तो इस तरीके की आपको ये वाली साड़ी देखने को मिल जाएगी, ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है यार ये वाली साड़ी। इसमें आपको कलर ऑप्शन काफ़ी सारे देखने को मिल जाएंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल सी साड़ी है एंड पूरे पे इसमें बीड्स लगाए हुए हैं, इस तरीके के फ्लावर्स बनाए हुए हैं। एक तो सबसे अच्छी बात है समर्स के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है और इतनी कम प्राइस में आपको एक पार्टी वेयर साड़ी मिल रही है, तो बहुत ही अच्छा लुक क्रिएट कर सकते हो आप इससे, तो उस अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो इस तरीके की साड़ी मिलेगी, बस इतना सा पोर्शन है जो आपको प्लेन देखने को मिल जाएगा, जो कि आप रैप करते हो जब अंदर की साइड आएगा, कि पूरी साड़ी में आपको देख रहे हो ना व्हाइट कलर के छोटे छोटे से बीड्स लगाए हुए हैं, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं। ये आपको पूरी साड़ी में देखने को मिल जाएंगे, नेट फैब्रिक में है ये पूरी साड़ी और बिल्कुल सॉफ्ट वाला नेट इसमें यूज़ किया है, तो पहनने के बाद लाइट वेट भी लगेगी, प्लस आराम से आप इसे ड्रैप कर सकते हो, उस अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी है। पूरी 5.5 मीटर की आपको ये वाली साड़ी देखने को मिल जाएगी और ये है इसका आंचल, पूरी साड़ी आपको स्टार्टिंग से एंड तक एज इट इज मिलेगी। ब्लाउज पीस के लिए इसमें दिया हुआ है कि इसमें अटैच ही ब्लाउज पीस दिया हुआ है या फिर अलग से आएगा ब्लाउज पीस, लेकिन मुझे अलग से कोई ब्लाउज पीस नहीं मिला है इसमें। ट्राई ऑन करूंगी, साड़ी पहनूंगी, तो मैं आपको स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी कि इसी में अटैच है या फिर आया है या नहीं आया है, तो आप एक बार देख लेना। नेक्स्ट जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी ज्वेलरी, इयर रिंग्स है, इसमें आपको टीका मिल जाएगा साथ में। इसको मैं काफ़ी टाइम से लेने की सोच रही थी मीशो पर, लेकिन मुझे थोड़ी सी कॉस्टली लगी मीशो के अकॉर्डिंग, लेकिन जब मुझे ये कल मिली फाइनली यार लगा कि प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा वर्थ इट है, क्योंकि क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। खुद की शादी है, हल्दी मेहंदी के फंक्शन में पहनना चाहते हो या फिर आपके फंक्शन है, आपके घर में है, आपकी फ्रेंड की शादी है, उस अकॉर्डिंग काफ़ी बेस्ट है और आपके पास कुछ इस तरीके की ज्वेलरी होनी ही चाहिए। तो पैकेजिंग आप देख सकते हो, इस तरीके का बॉक्स देखने को मिल जाएगा, इसमें आपको इयरिंग्स मिलेंगे प्लस टीका देखने को मिलेगा। तो साइड में मैं इमेज शेयर कर दूंगी, प्रॉपर लुक वगैरह आपको साइड में क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इयरिंग्स की, लुक एट दिस, इस तरीके के आपको इयरिंग्स देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, मे बी आपको पूरा लुक क्लियर हो रहा होगा। ये आपको जो है ग्रीन कलर एंड येलो कलर एंड रेड कलर के कॉम्बिनेशन में मिलेंगे यार, बहुत ही प्यारा लुक है एंड पूरे पे आप देख रहे हो ना स्टोन लगाया हुआ है, इस तरीके के स्टोन देखने को मिल जाएंगे, प्लस साइज काफ़ी अच्छा है और इतनी हैवी झुमका होने के बाद भी बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, प्लस साथ में आपको अटैच इसमें इस तरीके की चेन देखने को मिल जाए। आप इसे स्टाइल कर सकते हो किसी भी प्लेन साड़ी के साथ, अगर आपके घर में फंक्शन है, हल्दी मेहंदी का फंक्शन है, किसी भी लहंगे के साथ, बहुत ही ज़्यादा कलरफुल एंड स्टाइलिश है, तो डेफिनेटली आपको इसे पिक करना, क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड दोनों सेम झुमका आपको देखने को मिल जाएंगे, इस तरीके के झुमका है दोनों और इतने ज़्यादा हैवी और बड़े बड़े लग रहे हैं ना, तभी भी बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, उस अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा है कि पूरे दिन भर आप इसे आराम से कैरी कर सकते हो। इसके साथ में इन्होंने छोटा सा प्यारा सा एक टीका भी दिया हुआ है, जो कि लगाने के बाद बहुत ज़्यादा खूबसूरत लुक लगेगा एंड इसको पहनने के बाद आप चाहे नेकलेस मत पहनिए, क्योंकि झुमका काफ़ी हैवी है, टीका भी काफ़ी अच्छे साइज़ में है, बस आप कुछ मत पहनिए, लुक आपका बहुत ही अच्छा आ जाएगा, प्लस गर्ल्स के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा है। तो प्राइस के अकॉर्डिंग वैसे मुझे स्टार्टिंग में काफ़ी कॉस्ट लग रहा था, लेकिन जब मुझे मिला तो पता चला है क्वालिटी भी उस अकॉर्डिंग काफी ज्यादा अच्छी है। जो नेक्स्ट मैंने पिक किया है वो है एक लहंगा, और ये कुछ इस तरीके का इतना बड़ा सा पैकेजिंग में लहंगा मिला है, तब मुझे मिला यार इतनी बड़ी पैकेजिंग में मिला, मैंने सोचा पता नहीं क्या आया है इस तरीके का बहुत ही प्यारा लहंगा है, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि काफ़ी अच्छा लहंगा देखने को मिल जाएगा इस प्राइस में, लुकिंग वाइज सुपर्ब है। और ये वाला लहंगा स्पेशली हल्दी के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है, येलो कलर में आपको देखने को मिलेगा, प्लस मल्टी कलर से इस पर फ्लावर बनाए हुए हैं,
पैकेजिंग तो आप देख ही सकते हैं काफी ज्यादा अच्छी है, काफी बड़ा सा आपको इसमें जिप कवर देखने को मिल जाएगा। अब खोल के देखते हैं निकला कैसा है ये वाला लहंगा। तो इस तरीके का आपको ये वाला लहंगा देखने को मिल जाएगा। लुक एट दिस, बहुत सारे लोग येलो कलर के लिए लहंगे के लिए बोल रहे थे, तो अगर आपकी शादी है तो आप डेफिनेटली इस वाले लहंगे को परचेज कर सकते हैं, या फिर अगर आप किसी कोई भी शादी अटेंड करनी है ना, डेफिनेटली ये वाला लहंगा ट्राई करना बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लगेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेस्ट से। अब देखो मुझसे ना इसको संभाला नहीं जा रहा है, बिकॉज इतना बड़ा ये इसलिए पैकेजिंग में आया है, बिकॉज इतनी बड़ी बड़ी इसमें कैन कैन लगी हुई है, तो उस अकॉर्डिंग ये बहुत ही हैवी फ्लेयर का लहंगा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेस्ट से। इसमें आपको इस तरीके की वेस्ट देखने को मिल जाएगी, जो है अप टू 42 से अप टू 44, जो कि अगर आपके एक्सल डबल एक्सल साइज में भी आराम से आ जाएगी। मैं देखते इस लहंगे को बोल रही हूँ यार, प्राइस के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा वर्थ इट है, प्लस डिजाइनर है तो मिस मत करना। एंड पूरे पे आपको थ्रेड का काम देखने को मिल जाएगा, ये व्हाइट थ्रेड से इन्होंने किया हुआ है, प्लस बीच में गोल्डन जरी के थ्रेड से किया हुआ है। तो इस तरीके का आपको जिगजैग एम्ब्रॉयडरी देखने को मिल जाएगी। जब आप नीचे जाओगे तो आपको इस तरीके की कलरफुल थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। ये पूरा इन्होंने थ्रेड से काम किया हुआ है, पिंक येलो ग्रीन टील ग्रीन बहुत सारे थ्रेड्स इसमें यूज़ किए गए हैं, तो मल्टी कलर का आपको पूरा नीचे से लहंगा देखने को मिल जाएगा। एक तो फुल लहंगा है जो एम्ब्रॉयडर्ड है, प्लस आजकल ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है कि नीचे की साइड लहंगे में फ्रिल्स, तो उस अकॉर्डिंग इसमें आपको जो ऑरेगंजा सिल्क है उसकी फ्रिल्स देखने को मिल जाएगी। इतने साइज में, इतने साइज में आपको कैन कैन देखने को मिल जाएगी, तो फ्लेयर है बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा, और इसका फ्लेयर 4 मीटर के आसपास है, तो काफ़ी अच्छा लुक आने वाला है, बिल्कुल भी मिस मत करना। फैब्रिक है टफेट है सिल्क, और अगर आप एक्सल डबल एक्सल साइज में भी है तो भी आपके आराम से आ जाएगा, किसी भी फंक्शन के अकॉर्डिंग परफेक्ट लहंगा है। तो मैं आपको बताती हूँ ब्लाउज, जो कि फुल एम्ब्रॉयडर्ड मिलेगा। इस ये तो लहंगा इतना कलरफुल है, स्टिच बनाने के बाद लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा। ये आपको पूरा टैफेटा सेट में फैब्रिक देखने को मिलेगा, ये इन्होंने फ्रंट के लिए दिया है, ये इन्होंने स्लीव्स के लिए दिया है, और बैक साइड के लिए भी आपको सेम इस तरीके का हैवी फैब्रिक देखने को मिल जाएगा, वही सेम स्लीव्स के लिए और बैक के लिए। तो अगर मैं टोटल मिला के फैब्रिक की बात करती हूँ, 1 मीटर के आसपास है, तो आपके एक्सल डबल एक्सल साइज में भी आराम से आ जाएंगे। ये लहंगा बहुत ज़्यादा सुंदर है यार, बिल्कुल भी मिस मत करना इस वाले लहंगे को। अब मैं आपको बताती हूँ इसका दुपट्टा। दुपट्टा इसमें इस तरीके का देखने को मिल जाएगा, और कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी ब्यूटीफुल है, येलो के साथ बेबी पिंक कलर का दुपट्टा काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा है। एंड इस तरीके का आपको दुपट्टा देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बिल्कुल जो नेट यूज़ किया गया है सॉफ्ट मोनो नेट है। एंड साइड में आप देख सकते हो इस तरीके का एम्ब्रॉयडरी देखने को मिल जाएगी, काफ़ी अच्छा ब्रॉड बॉर्डर इसमें दिया गया है, 2.5 मीटर का दुपट्टा है, एंड बीच बीच में आपको इस तरीके के देखने को मिल जाएंगे बूटे। फुल एम्ब्रॉयडर्ड है ये वाला लहंगा, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी एम्ब्रॉयडरी की गई है, नीटली की गई है, फिनिशिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा वर्थ इट है, तो बिल्कुल भी मिस मत करना। ये है जो नेक्स्ट लहंगा मैंने पिक किया है। अब जो नेक्स्ट और लास्ट मैंने पिक किया है वो है फुटवेयर, एंड इसका मैं अगर कोड आपको मिल गया, मेरे आउट ऑफ स्टॉक नहीं हुए तो मैं आपको कोड प्रोवाइड कर दूंगी, नहीं तो मैं इससे सिमिलर जो सैंडल्स हैं उनके कोड आपको दे दूंगी, बिकॉज मैंने ये हील्स पिक किए, मैंने आपको बोला था मैं हील्स ऑर्डर कर रखी है, और मीशो से धीरे धीरे एक एक मिल रही है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैंने ब्लैक कलर में पिक की है। हील्स आप देख सकते हो इसमें इतनी हील है, जो कि है 2.5, मैं इतनी ही हील पहनती हूँ, इससे ज़्यादा हील से मैं ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ। ये है ब्लॉक हील्स में आपको देखने को मिल जाएगी, एंड लुकिंग वाइज काफ़ी अच्छे हैं, बिल्कुल सिंपल है लेकिन क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और इस तरीके के जो सैंडल्स होते हैं, हील्स होते हैं, किसी भी आउटफिट के साथ काफ़ी अच्छे से जाते हैं, चाहे वो वेस्टर्न हो चाहे वो एथनिक हो, उस अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और यहाँ पर आपको इसमें इलास्टिक देखने को मिल जाएगा, और इसमें जो मैंने साइज पिक किया है वो है 7 नंबर, तो आपको साइज चार्ट दिया हुआ होता है, आपको जो भी साइज लेना है आप ले सकते हो। बाकी ये मैंने रीसेलिंग में नहीं रखे हैं, तो ये मैंने अपने लिए पिक किया, और भी आपको बहुत सारे सैंडल्स देखने को मिलेंगे, पर मैं पहले मीशो से इसलिए पिक नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे लगा पता नहीं क्वालिटी कैसी आएगी, लेकिन जब मैं ले रही हूँ फुटवेयर्स तो क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, पर मे बी आउट ऑफ स्टॉक है। सिमिलर वाले सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये है जो नेक्स्ट मैंने पिक किया है। तो गाइज ये था आज का हॉल, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो वीडियो और आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ, चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो विद बेल आइकन, बिकॉज आप देखोगे ना मुझे
मेरी वीडियो इतने सारे लोग देखते हैं पर बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सब्सक्राइब किया हुआ है। मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी 25% लोगों ने सब्सक्राइब किया गया है, सब्सक्राइब किया हुआ है जो मेरी वीडियो रेगुलर देखते हैं, और 75% लोग ऐसे हैं जो रेगुलर देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो प्लीज़ यार जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, बिकॉज सब्सक्राइब करोगे तो ही तो आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलेंगे। तो विद बैल आइकन के साथ चैनल को सब्सक्राइब करो, और इनमें से सबसे ज़्यादा आउटफिट कौन सा अच्छा लगा कॉमेंट करके बताना, और कुछ देखना चाहते हो मीशो से कॉमेंट करके बता सकते हो। साड़ी वाले हॉल के बारे में ज़रूर बताना कि प्रॉपर हॉल एक आपके लिए लेके आऊँ या नहीं। तो चलिए अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।